हेलो एवरीवन, आज से हमने एक नया सीरीज शुरू किया है जिसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। पहले भी हमने कई बार असाइनमेंट सीरीज शुरू किया था और बहुत सारे ऐसे लर्नर ने जिनका पॉजिटिव फीडबैक आया है। आज से अगेन मैं जो भी टॉपिक आपको कवर करूंगी या फिर जो भी आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर रहे हैं उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड मुझे आंसर्स प्रोवाइड करना है। आंसर्स कहाँ पे प्रोवाइड करना है, डाउट्स कहाँ पे सॉल्व करना है, उन सब के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप सर्च कर सकते हैं कंबाइन सीएस डिस्कशन ग्रुप। अदरवाइज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा डिटेल्स प्रोवाइड किया, आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। नाउ कल के 10 PM पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्लास लिया था नॉर्मलाइजेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस या फिर अगर आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दे रहे हैं या फिर अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर अपने किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने किसी टॉपिक को पढ़ा है वो टॉपिक तभी आपका 101% करेक्ट होगा जब आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाएं, बिकॉज प्रैक्टिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर मैं बात करूँ तो कल हमने क्या डिस्कस किया, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे हाइलाइट्स बता दूंगी। नॉर्मलाइजेशन क्या है, व्हाई वी नॉर्मलाइज, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ कीज लाइक कैंडिडेट, सुपर, प्राइमरी, ऑल्टरनेट एंड फॉरेन की, हाउ टू फाइंड अ क्लोजर, हाउ टू फाइंड अ कैंडिडेट की, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड हाइएस्ट नॉर्मल फॉर्म। तो ऐसा देखा गया है कि आप सीधे नॉर्मलाइजेशन पे चले जाते हो बट आपको उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम कि हम नॉर्मलाइज क्यों करते हैं, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट एंड ईच एंड एवरी टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप 2018 से लेकर 2020 अगर सिर्फ इस 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक गेट, इसरो, यूजीसी नेट सब में इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दैट्स वाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आने वाले समय में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बिकॉज मैं ये कोशिश करूंगी कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैं जरूर कवर करूँ बिफोर द योर अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि काफी सारे वीडियोज जो अभी डेमो वीडियोज हैं जो चैनल पे कवर नहीं है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोटिफिकेशन है, हमने अपना फर्स्ट टाइम बैच कोर्स लॉन्च किया है, दैट इज क्रैश कोर्स, जिसमें ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड विद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो वी आर टेकिंग 4 आवर्स ऑफ क्लास ऑन डेली बेसिस। तो अगर आप इस क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है तो मेरा नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करिए, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन है और इसका आंसर देना कमेंट सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी लर्नर अगर एक बंदा भी इस वीडियो को देख रहा है और अगर वो मुझे पॉजिटिव रिस्पांस देता है तो बाय इवनिंग मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करूंगी। तो अगर आपने अभी से लेकर मॉर्निंग 10 o'clock से लेकर अगर इवनिंग में 5 o'clock तक इसका आंसर दिया तो वेल एंड गुड। अगर मुझे ऐसा फील होगा कि आप इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर मैं ये वाला सीरीज को स्टॉप कर दूंगी। इसीलिए सारे लर्नर से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं आपको टास्क एलोकेट कर रही हूँ अगर आप मेरे एक्टिव मेंबर्स हैं तो जरूर इस टास्क को कंप्लीट करिए एंड कमेंट सेक्शन में आपको आंसर प्रोवाइड करना इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड गिव द आंसर। इसी तरीके से जब आप स्क्रॉल करेंगे दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। अदरवाइज आप यूट्यूब पे ही क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इसको नोटबुक में लिखिए, ट्राई टू सॉल्व एंड जस्ट ट्राई टू गिव आंसर्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, अगेन हाइएस्ट नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करना है एंड आपको इसमें मुझे सब कुछ बताना है, व्हाट इज क्लोजर, कैंडिडेट की, प्राइम एट्रीब्यूट एंड हाइएस्ट नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द रिलेशन गिवेन, दिस इज द फंक्शन डिपेंडेंसी गिवेन, फाइंड हाइएस्ट नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, दीज ऑल आर द रिपीटेटिव क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा घूम फिर के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इवनिंग में मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड करूंगी। टिल देन आप पूरे आफ्टरनून का आपके पास टाइम है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
विच सेट ऑफ गिवन फंक्शन डिपेंडेंसी डज नॉट होल्ड, कौन सा इसमें से होल्ड नहीं करेगा। दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड ये 2005 में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड यूजीसी नेट में 2018 एंड 2019 में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आपको यहाँ पे बताना है कैंडिडेट की एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म आपको फाइंड आउट करना है एंड दिस आर द गिवन फंक्शन डिपेंडेंसी। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने बोला है कि जो भी मेंबर्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर प्रोवाइड करना है एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है तो यू कैन टाइप यस मैम प्लीज कंटिन्यू द सीरीज। तो मैं फिर नेक्स्ट डे डेली बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी इन द मॉर्निंग एंड बाय द इवनिंग यू विल गेट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। स्टे सब्सक्राइब स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।